डांसिंग डॉग। कई साल पहले विजय नाम का एक डांसर हुआ करता था। उसके डांस परफॉर्मेंस देखकर गांव वाले उसकी बड़ी तारीफ करते थे। एक बार विजय डांस परफॉर्मेंस करके घर लौट रहा था कि उसे टॉमी नाम का एक कुत्ते का पिल्ला दिखा। विजय पप्पी को देखते हुए, कितना प्यारा है, बेचारा भूखा होगा, वैसे भी मेरे ऊपर किसकी भी जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं इसे ही पाल लेता हूँ, सोचकर उस कुत्ते को ले गया। विजय जब भी घर पर डांस प्रैक्टिस करता तो वो कुत्ते को सामने रखकर ही प्रैक्टिस करता था। हे टॉमी, कम ऑन डांस विद मी, कहता था। टॉमी भी विजय के साथ नाचता था। विजय टॉमी का डांस देखकर बहुत खुश होता था। बदकिस्मती से एक बार विजय को चोट लगी और वो मर गया। इससे टॉमी बहुत अकेला हो गया। जिस गली में विजय रहता था उस सड़क से कोई गुजरता था तो टॉमी चिढ़कर उन पर भौंकने लगता था। इससे लोग परेशान होकर सोचने लगे कि टॉमी से कैसे छुटकारा पाएं। अरे बेवकूफो, टॉमी को डांस पसंद है और करने वाले भी। बिना डरे गली अगर पार करना चाहते हो, डांस करते हुए करे, टॉमी तब कुछ नहीं करेगा। अगले दिन से वो गली वाले चान चा चान ये ऐसे नाचते गाते उस गली पर से गुजरने लगे। टॉमी फिर किसी को कुछ नहीं करता। इससे अनजान एक आदमी उस गली में आया। टॉमी ने उसे देखती भाव भाव भौंकते हुए उसके ऊपर कूदने लगा। आसपास के लोग, भाई डांस करो, डांस छोड़ देगा डांस, चिल्लाकर उससे कह रहे थे। What nonsense, मैं क्यों रोड पे डांस करूंगा, पता है मैं कौन हूँ, रनिंग रेस का चैंपियन हूँ, कहकर वहाँ से भागने लगा। टॉमी उसके पीछे भागने लगा। वो भागते भागते एक घर में पहुँचा। वो घर के गेट पर बी वेयर ऑफ डॉग्स लिखा था। बिना देखे उस घर में घुस जाने के बाद गेट से बाहर देखते हुए, कुत्ते का पिल्ला इस डिस्ट्रिक्ट के रनर से गेम्स खेलेगा, अब क्या करेगा। इतने में वो घर के कुत्ते पलट कर देखा तो वहाँ दो कुत्ते उसके पीछे ही खड़े थे। अरे अरे फंस गया, सोचकर दीवार पर से कूद कर वहाँ से भागने लगा। पीछे कुत्ते भी भागने लगे। हे भगवान, मेरी मदद करो, सेव मी, मेरे को कोई सुरक्षित स्थान दिखाओ भगवान, मदद करे, ऐसे प्रार्थना करते करते भाग रहा था। इतने में उसे एक ट्रक वहाँ रुकी हुई दिखी। थैंक गॉड, सोचकर वो ट्रक के कैबिन में चढ़ गया। फिर पता चला कि वो ट्रक नहीं, कुत्ते पकड़ने की गाड़ी थी। फिर गाड़ी में भरे सारे कुत्ते उसे काटने और नोचने लगे। जिम। एक गाँव में एक जिम था, उसमें बहुत सारे युवक वर्जिश करते थे। उस जिम का मालिक का नाम था राम सिंह, उसके बेटे का नाम था भीम सिंह। भीम सिंह ने भी उसी जिम में वर्जिश करके बॉडी बनाकर एक बढ़िया बॉडी बिल्डर का नाम कमाया। वो जिस कंपटीशन में भी जाता था उसमें पहला इनाम वही जीतता था। इससे उसमें घमंड होने लगा। गांव में दादागिरी भी करने लगा। दुकानदारों से हफ्ता वसूल करना शुरू किया। इतना ही नहीं, जिम में यदि कोई वजन ना उठा पाता तो उसे देखकर हंसता था और मखौल करता था। गांव में और कोई जिम ना होने के कारण लोग कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन पिता राम ने बेटे से, बेटे गांव के लोग तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे हैं, तुम यूं ही कॉम्पिटिशन जीतते रहे तो सरकारी नौकरी मिलना लाजमी है, यूं हफ्ता वसूल करना पाप है और जिम में आने वालों की मजाक उड़ाते हो, ये तो गलत बात है बेटा। भीम सिंह, किसने कहा, उसका नाम बताओ, आपके सामने ही उसे कहलवा दूंगा कि वो झूठ है, कसरत सही नहीं करेंगे तो मजाक ना उड़ाकर आरती उतारेंगे क्या। एक दिन जब राम सिंह नहीं था तब एक व्यक्ति जिम में दाखिले के लिए आया। वो बहुत दुबला पतला था। सर, मेरा नाम राजू पहलवान है, मैं जिम ज्वाइन करने आया हूँ, महीने का कितना देना होगा। भीम सिंह, क्या तुम्हारा नाम पहलवान है, तो उस नाम का तुम्हारे शरीर से कोई मेल नहीं,
माचिस का तिल्ली नाम रखो, बिल्कुल जचेगा। कहकर हंसने लगा। ऐसे अपमान ना करें सर, बाहर सब हंसते हैं, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। आप भी मजाक उड़ाएंगे तो कैसा होगा, कृपया करके ट्रेनिंग दें प्लीज। यूं भीम सिंह ने उससे पैसे लेकर उसे ज्वाइन कर लिया। बाद में उसे वेटलिफ्टिंग करके दिखाया। जब वो उठाने लगा तो जान से अगर वो तुम पर गिर गया तो तुम कोमा में चले जाओगे। कहकर हंसने लगा। यूं पहलवान कुछ भी करता तो पास खड़े होकर हंसता था भीम सिंह। ये देख पहलवान दुखी होने लगा। जिम में बाकी लोग भी ये सब देख रहे थे, लेकिन पहलवान हर रोज निष्ठा से आता था। एक दिन जिम के बाहर, सर आप जैसे कह रहे हैं वैसा ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आप जो खुराक लेने के लिए कह रहे हैं वही खा रहा हूँ। मेरा बॉडी बनने के लिए और कितने दिन लगेंगे? भीम सिंह, तुम्हारी बॉडी बनने के लिए वो इस जन्म में नहीं होगा। कंकाल कभी सलमान खान बन सकता है क्या? तब राम सिंह के साथ जिम में कसरत करने वाले में से एक व्यक्ति, भीम सिंह उसका मजाक क्यों कर रहे हो? किसी के आकार को लेकर अवहेलना करना गलत है। इतने में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहाँ आया और गांव में गोरिल्ला आया है, भागो भागो कहकर चिल्ला रहा था। भीम सिंह अपने साथ है तो हमें किस बात का डर है, आने दो देख लेंगे। गोरिल्ला का नाम सुनते ही भीम सिंह डरने लगा, लेकिन डर दिखाने में बेइज्जती होती, इसीलिए वो गंभीर चेहरा बनाकर रखा। गोरिल्ला गांव में आ रहा था तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे डर के। तभी गोरिल्ला वहाँ आ पहुँचा। उसे देखकर सब भीम सिंह के पीछे जा छिपे। गोरिल्ला नजदीक आने लगा तो भीम सिंह डर कर बाप रे चिल्लाता हुआ एक खंभे के ऊपर चढ़ बैठा। गोरिल्ला वहाँ खड़ा होकर दहाड़ने लगा। तब पहलवान एक केला लेकर उसके पास गया, साहस जुटाकर उसे केला दिया। वो केला लेकर खाने लगा। फिर पहलवान ने उसका हाथ पकड़कर चलते हुए उसे जंगल में जा छोड़ा। गोरिल्ला टाटा कहते हुए वहां से चला गया। बाद में गांव में राम सिंह, देखा भीम सिंह, आदमी शरीर से बलवान नहीं बल्कि दिल से पहलवान होना चाहिए, ये उस पहलवान में भरपूर है। कम से कम अब तो तुम बदलो और अच्छा नाम कमाओ। यूं भीम सिंह में बदलाव आया और अच्छा नाम कमाने लगा। ऑटो वाले की सफलता। शोलापुर नाम के गांव में मानिक राव नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वो रेलवे स्टेशन के पास ऑटो चलाता रहता था। गाँव में जो भी व्यक्ति नया आता उसे अपने ऑटो में बिठा कर पूरे गाँव का सैर कराकर जो पैसे मिलते थे उससे परिवार का गुजारा होता था। मानिक राव की पत्नी का नाम था वनजा, बेटे का नाम था विलास राव। विलास राव बहुत आलसी था, सवेरे होने पर भी उठता नहीं था। एक दिन सवेरे काम पर जा रहे मानिक राव अपनी पत्नी से, ये क्या है, सवेरे होने पर भी उठता नहीं है, हर रोज इसे यूं देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, कुछ कहने के लिए ये कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, क्या करें? ठीक है, पर अब ध्यान से चलाएं, आते वक्त 1 किलो आलू और तेल लेके आना। एक दिन मानिक राव बीमार पड़ा और खाट पकड़ लिया। रोज होने वाली कमाई बंद हो गई। बेटा, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, घर में पकाने के लिए चावल भी नहीं है, आज से तुम ऑटो चलाना शुरू करो। विलास राव को पसंद ना होने पर भी ठीक है कहकर ऑटो लेकर चला गया। एक पेड़ के नीचे ऑटो को रोककर वहां सो गया। इतने में एक व्यक्ति वहां आकर विलास राव को उठाया और, बेटा पटेल नगर जाना है, चलोगे? सर आप मेरी नींद को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? वो आदमी वहां से चला गया। शाम होते ही घर लौटे विलास राव से उसकी माँ ने, क्यों बेटा दिन कैसे रहा, कोई सवारी मिला? ये क्या है माँ, ये मस्ती करने के दिन है और मुझे आप ऑटो चलाने के लिए कह रहे हो? ठीक है बेटा, तुम्हें मस्ती करना है यही है ना, तुम्हारी मर्जी, मस्ती करो,
मजे से ऑटो में जहाँ चाहो वहाँ घूमो, पर यदि तुम्हें रास्ते में कोई ऑटो कह के पुकारे तो उसे बिठा लेना, ठीक है? विलास राव को ये सुझाव अच्छा लगा। उसने, मेरी प्यारी माँ, ठीक है, कल से मैं ऑटो में सारा शहर घूमूंगा, रास्ते में कोई पूछे तो उसे बिठा लूंगा, ठीक है? अगले दिन विलास राव ऑटो में सारा शहर घूमने लगा। रास्ते में एक आदमी, ऑटो ऑटो कहकर पुकारा। कहिए सर, कहाँ जाना है? गुलमोहर पार्क जाना है, चलोगे? मैं वहीं जा रहा हूं सर, आइए बैठिए, कहकर उसे बिठाया। गुलमोहर पार्क में उतरकर उस व्यक्ति ने पैसे दिए। पैसे लेकर विलास राव बहुत खुश हुआ। यूं विलास राव ने पहली बार पैसे कमाए। पैसे माँ को देते हुए, ये लो 500 रुपए, मैंने आज कमाया है। माँ ने खुश होकर बेटे को शाबाशी दिया। यूं विलास राव ऑटो में यहाँ वहाँ घूमते हुए जिन लोगों को ऑटो की सवारी करना होता था उन्हें बिठा कर पैसे कमाने लगा। थोड़े दिनों में विलास राव ने 2 ऑटो खरीदा, घर का कर्जा भी चुकाया, माँ बाप की अच्छी तरह देखभाल करने लगा। एटीएम का चोर। लाला नगर गांव में एक नया बैंक खोला था, उसके साथ ही एक एटीएम भी खोला। उसका उद्घाटन कलेक्टर ने रिबन काटकर किया। कलेक्टर साहब, पहले गांव में बैंक ना होने के कारण बहुत दिक्कत होती थी। बैंक हो या एटीएम, उसके लिए हमें पड़ोस के गांव पैदल जाना पड़ता था, पर अब आपके कारण ये बैंक हमारे गांव आया है। आपको धन्यवाद। मैनेजर साहब, आपको भी गांव की ओर से धन्यवाद। तब सब ने ताली बजाई। लोगों को जब भी जरूरत होती थी तो एटीएम में जाकर कार्ड डालकर नंबर दबाकर पैसे निकालते थे। उस एटीएम का वॉचमैन था बहादुर। कई दिनों तक लोग उसका प्रयोग करते हुए बहुत खुश थे। अरे यार, एटीएम के आने से काम आसान हो गया है। ये लो, अभी विड्रॉ किया है। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, ले लो। ये ना होता तो पड़ोसी गांव जाना पड़ता था। मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, कहकर पैसे ले गया। इस तरह एटीएम का प्रयोग करते हुए गांव के लोग आराम से रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति एटीएम से रुपए विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, पर एटीएम से एक पर्ची बाहर आई। उसमें लिखा था, नो मनी। बहादुर, एटीएम में पैसे नहीं है क्या? कल दोपहर को ही पैसे भरे थे। पैसे ना हो ये कैसे हो सकता है? कोई गलती हो गई होगी, दोबारा ट्राई करें। उसने फिर कोशिश की तो पैसे नहीं आए। इस तरह रोज कोई ना कोई आता था पैसे ना होने के कारण बहादुर से झगड़ा करके चला जाता था। यूं लड़ते हुए कुछ लोगों से बहादुर, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। एक दिन छोड़कर एक दिन इसमें पैसे भरते हैं, पर जल्दी खत्म हो जाता है। कैसे, क्यों, समझ में नहीं आता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे डांट कर आपको क्या मिलेगा? मैंने ये बात मैनेजर को कई बार बताया है। मैं एक बार फिर जाकर उन्हें बताता हूँ, आप बाद में आए। यूं बहादुर बैंक मैनेजर के पास गया। सर, एटीएम में पैसे डालते ही खत्म हो जा रहा है, ये बात मैंने आपको कई बार बताया। लोग आकर झगड़ा कर रहे हैं, मुझे भी खरी खोटी सुना रहे हैं। मेहरबानी करके देखें कि क्या माजरा है। अरे, तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो, मैं एक बैंक मैनेजर हूँ। तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना है? कोई ज्यादा पैसे विड्रॉ करके चला गया होगा, इसके लिए तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारा काम है एटीएम की रखवाली करना, उसमें पैसे हैं या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। ये सब बैंक का काम है, तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। बैंक के बाहर आकर बहादुर थोड़ी देर सोचने लगा। उसे मैनेजर की बात ठीक नहीं लगी। वो तुरंत पैदल पुलिस स्टेशन गया। वहाँ एक एसआई से मिला, उन्हें सब कुछ बताया। इतनी बड़ी रकम निकालने वाला इस गांव में कौन है? इतने दिनों से तुम मैनेजर को बता रहे हो, पर फिर भी वो क्यों इसकी परवाह नहीं कर रहा है? हमें इन सवालों का जवाब चाहिए, चलो चलते हैं। उस दिन रात को मैनेजर छिपकर बैंक के पास आया।
ये सब एसआई और बहादुर देख रहे थे। मैनेजर दरवाजा खोलकर अंदर गया। खिड़की से दोनों देख रहे थे। एसआई ने अपने मोबाइल से वीडियो निकालने लगा। मैनेजर एक दीवार के पास जाकर, वहाँ एक गुप्त दरवाजा था। वो एटीएम के पिछले हिस्से से कुछ स्क्रू निकालकर एक कोड दबाया। बस एटीएम खुल गया। उसमें बहुत सारे रुपए थे। उनमें से थोड़े रुपए लेकर बैग में डाला। बाद में आराम से बैंक को ताला लगाकर चला गया। ये सब देख एसआई और बहादुर ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो कह रहे हों कि चोर पकड़ा गया। अगले दिन एक अम्बेसडर कार बैंक के बाहर आकर रुकी। उसमें से कुछ अफसर उतरकर बैंक में आए। मैनेजर से, आप ही हैं मैनेजर? हम ऑडिट डिपार्टमेंट से हैं। सारा अकाउंट्स दिखाइए, चेक करना है। उन्होंने सारा बुक चेक किया। तब ऑडिटर, जब से ये बैंक खुला है एटीएम में 30 लाख रुपए डिपॉजिट हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सिर्फ 10 लाख विड्रॉ हुए हैं। बाकी रुपए कहाँ गए हैं? मैनेजर, सर इसे मेरा क्या लेना देना, उसका तो वॉचमैन भी है, डिपॉजिट करना ही मेरी जिम्मेदारी है। तब एसआई और वॉचमैन वहां आए। एसआई, डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी भी आपकी और विड्रॉ करने की जिम्मेदारी भी आपकी। ये लीजिए सर इसका सबूत। वो देख मैनेजर दंग रह गया। उसके बाद मैनेजर ने उस जुर्म के लिए जेल की सजा भुगती। इसीलिए कहते हैं एक ना एक दिन चोर पकड़ा जरूर जाता है, सच है ना?